hope all my viewers are happy, healthy and safe. Today's video is basically a Flavor Chalk makeup tutorial, and so many festivals coming to health, and next month is totally a month of so many festivals. Karwa Chauth is coming to health, and Diwali is coming to health, and you can say that Durga Puja is coming to health. So today's video is also going to be very special because today is a Karwa Chauth makeup tutorial, and मुझे यकीन है कि जितनी भी मेरी ब्यूटीफुल लेडीज हैं वो सब इस मेकअप ट्यूटोरियल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही होंगी, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जो वो लेना चाहती हैं, और जो स्पेशली जो न्यूली ब्राइड्स हैं जिनकी नई शादी हुई है वो डेफिनेटली उनके बहुत अरमान होते हैं, बहुत कुछ वो अच्छे से करना चाहती हैं, क्योंकि उनकी फर्स्ट करवा चौथ की तो डेफिनेटली वो चाहती हैं कि हम बिल्कुल अच्छे लगें, सबसे अलग हटके लगें। तो आई होप आप सभी ब्यूटीफुल को मेरा मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आए, और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। हियर आई एम गोइंग टू यूज बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो मॉर्निंग नेचर विदिबली फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो मेरा स्किन जो है वो ड्राई है, तो मैं एक डीप हाइड्रेट मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करूँगी, और बायोटिक में वो सारी बातें हैं, और एक बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट मॉइस्चराइजर। और फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि हम प्रेप एंड प्लान कर रहे हैं मेकअप करने से पहले, और यहाँ पे मैं सिंपली मैक का प्रेप प्लस प्राइमर स्प्रे यूज़ करूँगी। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फाउंडेशन, तो मैं यहाँ पे शुगर का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, और मेरा शेड है 07 वैनिला लाइट। तो ये स्टिक फाउंडेशन है और बहुत अच्छा है। हम ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिए। मैं यहाँ पे एक लेयर और फाउंडेशन से अप्लाई करूंगी। और अब मैं यहाँ पे दो शेड्स के कंसीलर अप्लाई करने वाली हूँ, एक है मेरा शेड, एक है हाफ एंड हाफ का मैजिक स्टिक, और ये थोड़ा लाइट शेड का कंसीलर है, और ये है दूसरा ब्रांड का कंसीलर जो जिसका नाम है मी ऑन फिक्स हिट। ये थोड़ा सा डार्क शेड है, यानी कि थोड़ा सा पीची शेड में है। पहले तो वो मैंने किया था मियोन का फिक्स इट, अब मैं यहाँ पे दूसरा कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जिसका शेड लाइट है, और ये है हाफ एंड हाफ का मैजिक स्टिक जो कि हाईलाइट है एंड कॉन्टूर एक स्टिक है। ये लाइट शेड का है इसलिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि मैं अपने फेस पे हाईलाइट कर सकूँ। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी ताकि हल्का सा एक ब्राइटनेस मेरे फेस पर आ जाए, तो उसके लिए मैं लाइट शेड का कंसीलर अप्लाई करूँगी। Thank you.
अब आई मेकअप करूँगी तो यहाँ पर मार्स की पैलेट आई स्कैन के लिए कंप्लीट आई शेडो पैलेट है, इसमें मैट शिमर शेड्स हैं और बहुत ही अच्छी पैलेट है। स्पेशली देयर इज लॉट ऑफ शेड्स, मैट शेड्स, शिमर शेड्स। तो अब मैं यहाँ पे अपने जो मैंने साड़ी कैरी कर रखी है उससे ही मैच करता हुआ आई मेकअप करूँगी। तो यहाँ पे मैं आई मेकअप करने से पहले अपने आई वॉल पर कंसीलर अप्लाई करूँगी। ये भी मैं हाफ एंड हाफ की मैजिक स्टिक का लाइट शेड अप्लाई कर रही हूँ। आई बॉल पर कंसीलर अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज सेट करूँगी। यहाँ पे मैं आईब्रोज मैं यहाँ पे कलर स्ट्रॉक्स की ब्राउ फिक्स पाउडर पैलेट यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं ब्राउन शेड, ब्राउन के कई सारे शेड्स होते हैं तो मैं यहाँ पे ब्राउन का ही थोड़ा सा डार्क शेड अप्लाई कर रही हूँ। आई बॉल पे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करूँगी ताकि जो कंसीलर हमने अप्लाई किया है वो सेट हो जाए। ऑरेंज शेड से अप्लाई करूंगी ताकि थोड़ा सा उभर के भी आई जाए। मैं यहाँ पे ब्लैक शेड का भी अप्लाई कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं किया आपने क्रीज एरिया पे, मैं बहुत हल्का सा ब्लैक का अप्लाई किया। अपर आई बॉल पे मैं थोड़ा सा ग्लिटर शेड अप्लाई करूँगी। यहाँ मैं गोल्डन शेड अप्लाई करूँगी क्योंकि मेरी साड़ी में गोल्डन शेड। शेड अप्लाई कर रहे हैं जो मैंने अपनी अपर आई बॉल पे शेड अप्लाई किया, वही मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे भी शेड अप्लाई किया है। तो हम अपने इनर आई बॉल के कॉर्नर पे हम थोड़ा सा गोल्डन शेड अप्लाई करेंगे, बस हल्का सा टच देंगे गोल्डन शेड का। मैंने अप्लाई कर लिया है शाइन के लिए, चमक के लिए मैंने लगाया है ये गोल्डन शिमर शेड। अब यही गोल्डन शिमर शेड थोड़ा सा मैं अपने ब्रो बाउंड एरिया पे भी अप्लाई करूँगी।
अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, मेबलिन कॉलोसल का वाटरप्रूफ। कॉम्पैक्ट की जगह यहाँ पे शुगर का बनाना पाउडर अप्लाई किया है। अच्छा सेटिंग लूज पाउडर है और एक अच्छी फ्लूइड प्रूफ बनाने के लिए अपने बेस को मैंने यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक मेरा जो मेकअप है वो टिका रहा है, उसके लिए मैंने यहाँ पे शुगर का सेटिंग लूज पाउडर अप्लाई किया है। गाइस अब मैं यहाँ पे पीची शेड का ब्लशर अप्लाई करूँगी। मेरा ब्रांड है फेस स्कैनर। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मनीष मल्होत्रा का माइक लैम्प का डोज हाईलाइट। इसमें दो हाइलाइटर के शेड्स हैं, एक पिंक शेड है और एक थोड़ा सा हल्का सा लाइट गोल्डन शेड है जिसमें हल्का सा शाइनिंग है, वही मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। पे यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, क्योंकि एक लास्ट पार्ट है मेकअप का। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर की लिपस्टिक जिसका शेड है 03 10 12। तो गाइस मैंने यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है और अब आप देखिए मेरा फाइनल लुक। गाइस ये है मेरा फाइनल लुक। आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा, क्योंकि ये करवा चौथ मेकअप ट्यूटोरियल है गाइस। तो अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आता है जो कि मैंने स्पेशली तैयार किया है अपनी प्यारी प्यारी मेरी मैरिड ब्राइड्स के लिए, और अगर उनको कुछ भी मेकअप मेरे मेकअप से रिलेटेड आइडिया लेना है तो मेरा इस लुक को देखकर भी आप मेकअप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आई होप आप सभी मेरी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल ब्यूटीज़ को मेरा मेकअप लुक पसंद आए। तो गाइज अगर पसंद आता है तो डोंट हेजिटेट टू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। तो गाइज प्यारा प्यारा लाइक कर दे, प्यारा प्यारा कॉमेंट कर दे, मुझे सपोर्ट करते रहें। और मेरे मेकअप से रिलेटेड आप कुछ और ही देखना चाहते हैं तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी डिमांड पर मेकअप ट्यूटोरियल बनाऊँ।